हाल है मेरे प्यारे भाई लोग। तो भाई लोग मुझे पता आप लोग बढ़िया होंगे और ये गेम प्ले होने वाला है एक नंबर, क्योंकि इस गेम में अच्छे खासे किल निकालने वाला हूँ, फुल टू फुल रश खेलने वाला हूँ और तुम्हारा भाई मजा आने वाला है। अब बढ़ते थोड़ा गेम प्ले के ऊपर। अब यहाँ मैं आ गया था यशना में और यहाँ मेरे को मिल गई थी डीपी, तभी यहाँ पे मेरे को एक बंदा मेरे भीतर पुश कर देता और इस बंदे को भाई इधर मैं इजी मारता हूँ। अब यहाँ पर डर भाई, अब देखो यहाँ पर एक बॉट भी फायरिंग कर रहा था इधर। अब जैसे इधर मारता हूँ तो भाई ये बॉट नहीं भाई, एक बॉट एक बंदे को मार रहा था और भाई इधर मैं एक किल निकाल लेता हूँ, जो कि इस जिस बंदे को मैं इधर मार रहा हूँ ना, उस बंदे का इधर बहुत गंदा माइनस होता है। और तभी यहाँ लूट रहा होता हूँ, तभी यहाँ पर एक बॉट और आ जाता है जिस बॉट को भाई इजी मार देता है। अब तुमको तो पता है बॉट बॉट को तो मार ही देते हैं भाई, कुछ भी समझ लो। अब यहाँ पर मैं आगे निकलता हूँ, तभी यहाँ पर एक बंदा होता है सामने। अब जैसे इस पर फायरिंग किया मुझे लगा बंदा है, तभी यहाँ पर डायरेक्ट मैं इस बंदे पर पुश कर देता हूँ। अब जैसे इसको मारता हूँ भाई ये निकलता इधर बॉट। अब इस बॉट को मारता ही मैं आगे निकल जाता हूँ। अब जैसे मैं आगे निकलता हूँ ना भाई, यहाँ पे एक बंदा मिलता है जो कि भाई मेरी फेवरेट ड्रेस पहनाता है। भाई इस बंदे को मार के मुझे इस बंदे की ड्रेस लेनी है, क्योंकि भाई मुझे बड़ी पसंद है, सच्ची बताऊँ मुझे बहुत पसंद है। अब जैसे मैं इसको उधर डैमेज भी दे दिया था, अब मुझे पता था कहाँ बैठा हुआ, इसलिए मैं पुश कर देता हूँ इस बंदे पे। अब इसको भाई अच्छा खासा डैमेज भी दे दिया था भाई, ये भाई मेरी ड्रेस पहना था, मतलब फेवरेट ड्रेस थी मेरी। अब यहाँ पर ये मेरे को मिल गई थी भाई, भाई तुम्हारा भाई का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया था ड्रेस पहन के। तभी यहाँ मेरे को स्कारल के सामने से फायरिंग आता है, अब मैं इस बंदे पे इधर कर देता हूँ पुश। अब इधर क्या मैं सोचता हूँ ना कि भाई बूश कर लूँ, क्योंकि भाई तुमको पता है बन भी बन होने वाला है। अब भाई सच्ची बताऊँ मेरे को तो कंफर्म नहीं था कि इधर भाई अचानक से बंदा सामने आ जाता भाई, इसको अच्छे खासे हेड पड़ गए थे जो कि UMP 9 के, और भाई इधर इजी मर जाता। अब भाई इस घर पे आता हूँ, अब मुझे पता है कि अगर मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ ना तो मेरे को थोड़ा बस अच्छा खासा व्यू मिलने वाला है, क्योंकि मुझे बंदा दिख ही जाएगा एक ना एक। अब जैसे यहाँ पे ऊपर चेक करता हूँ, ऊपर कोई भी नहीं होता है, एंड आगे होल्ड करता हूँ। अब जैसे इधर होल्ड करता हूँ मेरे को सामने कार दिखती, तो मुझे पता था कि एक बंदा यहाँ पर होगा जो कि भाई द्वारा लूटने आया है यहाँ बंदे को, या हो सकता है दूसरा बंदा हो। अब भाई ये बंदा मेरे को दिख जाता है जो कि भाई रोहित भाई थे अपने, रोहित भाई को तो आराम से ले लेते हैं। अब यहाँ पर मारने के बाद ना भाई मैं निकलता हूँ आगे की तरफ, जो कि जो रोहित भाई कार लाए थे उस कार से भाई मैं निकल जाता हूँ आगे। अब यहाँ पर था सामने ड्रॉप, अब भाई इधर ड्रॉप मुझे लूटना था क्योंकि Level 3 का लेना था सामान इधर। और तभी यहाँ मेरे को मिल गई थी ओम, जो कि तुमको पता है तुम्हारा भाई ओम तो बहुत कम ही छोड़ता ज़्यादातर ले ही लेता है। और यहाँ पर मैं ओम लेके सीधा निकल जाता हूँ इधर के साइड, मुझे पता था कोई ना कोई इधर बंदा होने वाला है। तभी राइट में से बग्गी आती जो कि मुझे दिख जाती है इधर। अब भाई ये शॉट कैसा लगा तुम सही से बताना, मजा आ गया होगा इस शॉट देखे तो भाई। इस शॉट को अगर जिसको भी अच्छा लगा ना तो भाई एक लाइक ठोकना, और हो सके जो बंदा नया आ रहा है मेरे चैनल भाई सब्सक्राइब ठोक दो यार, आपका एक सब्सक्राइब मेरी जिंदगी बदल सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है आपके एक सब्सक्राइब से, तो प्लीज़ कर जरूर देना भाई, ठीक है। अब निकलता हूँ आगे तरफ, जबकि मैं अपार्टमेंट में चेक कर रहा था यहाँ पर बंदे, तभी से आगे निकलता हूँ यहाँ पर एक बंदा जो कि अपार्टमेंट में कैम्प किया था, एंड वो बंदा इधर मेरे को भाई UMP 9 फायरिंग करके मेरे को बुलाता है। तो भाई तुमको पता है इधर मैं कितना बड़ा लालची हूँ किल का, तो भाई यहाँ पर मैं निकल जाऊँ इसी बंदे पर। अब इधर मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता कि मैं अंदर इधर पुश कर दूँ, तो पहले मैं उसको लोकेशन देख रहा था भाई वो है किधर। अब इधर मैं क्या सोचता हूँ ना कि इससे पहले मैं मेन अपार्टमेंट में जाता हूँ और उधर से उसको देखता हूँ, अगर इस बंदा मेरे को इधर से दिख जाएगा तो ठीक है। अब भाई घुमाया मैं इसलिए, तो हो सकता है किधर नीचे, तो पर भाई ये बहुत गंदा कैम कराएगा, तो भाई मैंने इसमें बोला था अपार्टमेंट में आ जाऊँगा, एंड अपार्टमेंट से इसको बंदे को मैं देखता हूँ। यहाँ मैं सोचता हूँ कि नेड करूँ, पर उसकी कंफर्म मुझे लोकेशन नहीं पता थी, इसलिए यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ एंड उसको देखता हूँ। अब वो बंदा तो बाहर भी नहीं आ रहा था, तभी मेरे लेफ्ट में से एक डासी आ रही होती है, इस पर भाई अच्छा खासा उसको डैमेज दिया था मैं। अब मुझे लगा कि रुकेगी पर ये रुकती नहीं, ये निकल जाती है यहाँ से। अब भाई मैं सोचता हूँ पीछे वाले बंदे देखूँ, अब वो बंदा तो उधर बाहर नहीं आ रहा था, तो मेरे दिमाग में क्या है ना, मैं उस बंदे पर डायरेक्ट पुश कर दूंगा। अब भाई तुमको पता है तुम्हारे भाई की किस्मत कितनी ख़राब है, कभी कभी तो इतनी गंदी किस्मत होती है ना, क्योंकि आज के मैच में बहुत गंदी किस्मत है, जो कि तुमको भी दिख जाएगा क्या ही होने वाला है मेरे साथ। अब बग्गी लेके मैं डायरेक्ट इस बंदे पे पुश करता हूँ रोटेट करके, तभी
यहाँ भाई मेरा बग्गी टकरा जाता है। यहाँ पे मैन अपार्टमेंट में कार भी आ गई थी। अब डर इस बात का था भाई वो अंदर बंद ना थे। यहाँ मैं ट्राई करता हूँ ओम से मारने के लिए भाई, अब ये बंदा तो बाहर ही नहीं निकल रहा था। अब ये भाई जब मेरे को अच्छा खासा डैमेज दिया, तभी भाई इस बंदे से फाइट लेते समय भाई एक बंदा यहाँ पर लेट के मेरे को स्प्रे मार दी जो कि स्कूल से। अब यहाँ पे मेरे पे रिकॉल था तो भाई मैं सोचा भाई बिना माइनस सोचे समझे मैं कूद जाता हूँ अपार्टमेंट पे। तभी यहाँ पे एक बंदा था, तो भाई इधर मेरे यूजी सारी एमओ उस पर कनेक्ट हो गई थी इसलिए ये बंदा बहुत जल्दी मर गया। और इस बंदे का लूट रहा था मैं इस क्रेट, तभी जो लेफ्ट में जो बंदा था जो कि कैम करा था एंड वो बंदा था मेरे पे कर देता पुश। अब यहाँ पर क्या होता ना जो सिंगल शॉट जो टैप टैप मारा था वो मारा था भाई स्कूल वाला जो कि बीच में मजे ले रहा था एंड मजे ले भी लिया था एक बार तो ठीक है। यहाँ बूस्ट कर लेता हूँ भाई। अब ये बंदा मेरे पे पुश नहीं कर रहा था भाई, इसको पता चल गया था एंड मैं यहाँ पे हेल्थ ले लिया हूँ। तो भाई ये बंदा पुश नहीं कर रहा था, मैं सोचूँ मैं पुश करूँ इस पर, तभी मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ। भाई ये कर रहा था भाई राइट में कैम, तो भाई मैं सोचता हूँ कि नेड कर भाई थोड़ा सा स्कैम करूँ उसके साथ। भाई ये बंदा तो बाहर नहीं आ। अब जैसे मैं तीसरी बार नेड करता हूँ उस पर, तभी ये बंदा था मेरे पे करते थे पोस्ट, इसलिए मैं यहाँ पर नेट फेंका इसके ये भाई पीछे भागा। और यहाँ पर बचता है मेरे पे एक और नेट। अब मैं सोचता हूँ भाई इस पे एक और नेट करने का ट्राई करूँ, तो मैं सोचता हूँ बूस्ट कर लेता हूँ, कुछ पता नहीं भाई ये तुरंत मेरे पे तक पोस्ट कर दे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ उस पर नेट करने के लिए एक और, और जैसे इस पे नेट किया ये पीछे भागा। अब ये भाई इधर अच्छा खासा मेरे को डैमेज भी दे दिया था। अब मैं सोचूं भाई इधर होल्ड करूँ, ये ऊपर आया भाई ऊपर नहीं आता तो मैं नीचे कूद जाता हूँ। अब इस बंदे को लगा भाई मेरे को डैमेज दे देगा, पर मैंने इसको डैमेज अच्छा खासा दे दिया था। अब इधर बंदा गलती कर बैठा भाई, क्या ये भाई भाग रहा था, मतलब खिड़की से निकल के भाग रहा था, मुझे यहाँ पर फुट आ गया था क्योंकि जंप कर रहा था। अब यहाँ पर मैं अपना कार ले लेगी जो कि ये बंदा कार लाया था, इसका कार लेके ना मैं निकलता हूँ अपने केट लूटने के लिए। अब जैसे केट लूटता हूँ मैं सोचता हूँ भाई ऊपर चेक कर लूँ, हो सकता है कि यहाँ पर ऊपर बंदा हो शायद ना हो, कुछ कह नहीं सकते। अब जैसे ना ऊपर आता हूँ मैं, यहाँ पर भाई एक बंदा होल्ड पहले से कर रखा है, जैसे मुझे लगा ही था यहाँ बंदा हो सकता है, उसे बड़े भाई मैंने चेक कर लिया था, मेरा गेम यहीं पर ख़त्म हो गया था। यहाँ पर अपना कार रोकता है, ऊपर निकलता हूँ क्योंकि मुझे पता लगा कि वो बंदा अगर मेरे पर पोस्ट करेगा तो मैं ऊपर निकलता हूँ। यहाँ पर मैं बैंडेज मारूंगा, अब ऐसे बैंडेज मारता हूँ ये बंदा तो मेरे पर पोस्ट नहीं करता है, तो जो फटी टूटी से कार है उसको लेके मैं निकल जाता हूँ भाई सर्कल की साइड, मतलब सर्कल के बाहर, क्योंकि यहाँ पर मुझे कार ढूंढनी थी। अब मुझे लगा कि होगी भाई गैराज में डांसें मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भाई बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। यहाँ पर वैसे मैं आता हूँ गैराज में, भाई यहाँ पर भाई दासिया है ही नहीं, मतलब कार ही नहीं है। अब जैसे मैं सोचता हूँ कि लेफ्ट में एक और जो गैराज है उधर निकलूँ, अब जैसे उस उधर मैं गैराज में निकलता तो मेरे को सामने बग्गी दिखती है, तो भाई मैं सोचता हूँ भाई कार अच्छी बग्गी है, पहले बग्गी ले लेता हूँ यहाँ से। अब बग्गी लेके मैं निकल लेता हूँ सीधे सर्कल में। अब मैं क्या सोचता हूँ भाई वो बंदा जो ऊपर था वो वहाँ से निकल गया होगा, तो भाई अपने क्रेट लूट लूँगा तो यहाँ मेरे को ओम और अच्छी खासी लूट भी मिल जाएगी, तो भाई सीधा निकलता हूँ अपने क्रेट के पास। तो भाई पहले मैं सोचता हूँ भाई ऊपर वाला बंदा चेक कर लूँ कि है कि नहीं है, पर हाँ वो बंदा नहीं होता है। और भाई ये बंदा वही था जो कि भाई मेरे को जो स्कूल से मारा था, और वही बंदा मेरे यहाँ पे क्रेट भी लूट के ले गया एंड मेरी भाई फेवरेट ड्रेस भी यहाँ पर ले गया था भाई ये बंदा। यहाँ पर जो बचा कुछ है वो सामान भाई मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो कि M4 थी ठीक है। अब यहाँ पर भाई मैं अपना बग्गी लेकर तुरंत निकलता हूँ सर्कल में, क्योंकि यहाँ पर डैमेज काफ़ी सारा हो रहा था। अब मुझे इस बात का डर था जैसे जॉन्ट अगर टच हो जाएगा तो यहाँ पर मेरी एचपी बहुत ज़्यादा डाउन होगी, जैसे कि आपको दिख रही होगी मेरी एचपी कितनी डाउन हो रही है।
तभी मैं सोचता हूँ कि भाई इस रिच पे रुकता हूँ, हेल्थ पहले हेल्थ मारता हूँ। यहाँ पे भाई प्रॉन करने का मैं ट्राई कर रहा था, यहाँ पे प्रॉन नहीं हो रहा था मेरा प्लेयर, यहाँ पे मैं हेल्थ लेता हूँ पहले और एक स्मोक कर देता हूँ। भाई यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ मैं, तो एक स्मोक किया एंड पहले बूस्ट भी करता हूँ, एंड बूस्ट करके मैं स्मोक भी लेके भाई यहाँ पे निकल लेता हूँ आगे की तरफ, मतलब स्मोक लेके नहीं अपना बग्घी लेके, है ना। और बग्घी लेके जैसे आगे निकलता हूँ यहाँ पर जो अंदर पूरा पोचिंग की मैं, अब जैसे मैं सोचता हूँ यहाँ पर होल्ड करूँ एंड ड्रॉप, जो साइड में जो राइट में ड्रॉप था उसको लूटूँ, पर यहाँ पर सामने से बग्घी आ रही होती है। तो भाई मैं सोचता हूँ क्यों ना भाई पहले पोचिंग की में एक घर पकड़ा जाए, और घर पकड़ लूँगा तो वहाँ से मैं गेम निकाल सकता हूँ। तो भाई मैं डायरेक्ट चल जाता हूँ क्योंकि सेंटर में बीच सेंटर में जो घर है उनके पास चल जाता हूँ। इधर आने के बाद भाई मैं जो लास्ट में जो घर था मैं उधर चल जाता हूँ, मुझे पता था भाई यहाँ पे बंदे आने वाले हैं और जो घर पे पुश करने वाले हैं। जैसे यहाँ प्रॉन करता हूँ भाई यहाँ पे पीछे से मेरे को बग्गी का साउंड आता है, अब जैसे इस बग्गी को मारा भाई यहाँ पर एक कूप भी है इधर पुश करती थी। भाई इस बंदे को बोलते हैं हैवी ड्राइवर, भाई मैं इस बंदे को मार सकता था पर ये बंदा क्या बताऊं। यहाँ पर वेट कर रहा था एक बग्घी का जो कि भाई यहाँ से निकल गई थी, और यहाँ से भाई सर्कल भी काफी दूर बन गया था मेरे से, भाई यहाँ पे मुझे सर्कल में जाना था, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ पर यहाँ से मेरे से नहीं हुआ। मैं सोचता भाई टाइम वेस्ट नहीं करना तुरंत निकलता हूँ, और यहाँ पर क्या स्कैम होने वाला है मेरे साथ वो तुम देखना अभी, मतलब भाई मेरी एचपी तुमको दिख रही है, ये सिर्फ बूस्ट की वजह से बचाऊँ, अगर बूस्ट नहीं होता मैं वहाँ पर मर जाता। यहाँ पर मैं हेल्थ लेके तुरंत आगे निकलता हूँ। अब जो मेरे को बंदा मारा था उस पर भाई मेरे को डाउट था, पर भाई वो बंदा अच्छा खेल रहा था, हैकर तो नहीं था इसका, भाई केडी वेडी देखता हूँ तो भाई मतलब ठीक अच्छा खेल रहा था। अगर मेरा एम बी था चूक हो गया था भाई, इसलिए मैं साथ मर गया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना गाइस, चलता हूँ टाटा मिलते हैं, ठीक है भाई। इसका केडी देखो, मतलब लेजेंड बंदा था।